नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। एक और इंटरेस्टिंग लेकिन डिफरेंट वीडियो लेके आया हूं आप सबके लिए। इस वीडियो को हम इंटरेक्टिव रखेंगे। मैं वीडियो की शुरुआत में कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, मैं पॉज दूंगा, आप सवालों का जवाब कमेंट करके बता सकते हैं या अपने माइंड में सोच सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा सही जवाब क्या है। आपका माइंड सेट क्लियर होगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपको समझ में आएगा कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है वर्सेस कैसे आप सोचते हो। अगर आप ट्रेडिंग से रेगुलर पैसा कमाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू रीच अ स्टेज जहां पे ट्रेडिंग से जनरेटेड रिवेन्यू से आप अपना घर चला सको, अपना लाइफस्टाइल बना सको, तो आपके लिए ये वीडियो काम करे। दोस्तों पहला सवाल, मार्केट में अब आगे क्या होगा, इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है मार्केट से पैसा कमाने के लिए। अगर आपका जवाब है हाँ ये बात सही है तो आप गलत हैं। मार्केट में आगे क्या होगा ये जानकारी किसी को भी नहीं है और ये होना बिल्कुल जरूरी नहीं है मार्केट से पैसा कमाने के लिए। सवाल नंबर दो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स सच एज मी सच एज मेनी अदर्स हैव सर्टेन टूल्स जिसकी मदद से वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अब आगे क्या होगा, और वो बहुत आगे रहते हैं, वो उनको पता होता है मार्केट अब ये करेगी। अगर आपका सवाल का जवाब है हाँ तो आप फिर से गलत हैं, इसका जवाब भी है ना, बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर एक ट्रेड को पूरी शिद्दत से लेते हैं, उनके लिए हर एक ट्रेड इक्वली इंपॉर्टेंट है और उनको उसमें सही रिजल्ट चाहिए ही चाहिए होता है क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगी होती है। अगर आपका सवाल का जवाब है हाँ तो आप फिर से गलत हैं, इसका आंसर भी है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपसे एक और आखिरी सवाल पूछता हूं। जब आप ट्रेड लेते हैं क्या आपको अंदर से कोई इमोशंस आते हैं ट्रेड लेने के बाद? आपने मान लीजिए निफ्टी की कॉल ले ली या बैंक निफ्टी की पुट ले ली या कुछ भी लिया, बाय किया सेल किया, फिर क्या कोई मन में इमोशन आते हैं आपके? इफ देयर कम्स एनी इमोशन तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल हार्ड फैक्ट है ये। और इसको दूर कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। जब मैं ट्रेड लेता हूं मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है? आई प्रेस्ड बाय बटन ऑन माई लैपटॉप, वॉट इज नेक्स्ट? अब मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मैं अब स्क्रीन को देखने लगता हूं? क्या आप जब ट्रेड लेते हो उसके बाद तुरंत स्क्रीन को देखने लगते हो? अब ये ऊपर जा रहा है, अब ये नीचे जा रहा है, अब ये 4,000 प्रॉफिट हो गया, अब ये 2,000 लॉस हो गया, अब बुक कर लूं क्या, अब निकल जाऊं क्या? क्या ये आपके साथ चल रहा होता है? अगर इसका जवाब है हाँ तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे सोचते ही नहीं है। अब चलते हैं, समझते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, कैसे आपको सोचना है, कैसे मार्केट को और ट्रेडिंग को अप्रोच करना है पैसा कमाने के लिए। देखिए मैंने एक कॉइन टॉस इंडिकेटर वाला वीडियो बनाया था आज से लगभग 10 दिन पहले। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा, इस वीडियो के अंत में उसका लिंक आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, मैंने ये चीज आप लोगों को पहले भी बता रखी है, मार्केट से पैसा कमाने के लिए। देखिए मार्केट में आप कोई भी जो ट्रेड लेते हैं आपके ऑपोजिट एंड पे एक और शख्स बैठा है, अगर वो आपसे इतना सा भी ज्यादा होशियार है तो वो कमा जाएगा, आप नहीं कमाओगे। मार्केट इज अ जीरो सम गेम, आपका पैसा इधर या उधर का पैसा इधर। हो सकता है आपका पैसा किसी अच्छे दिन में मेरे जेब में आ रहा हो, मैं कमाता हूं जो, या मेरा पैसा जो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है आप में से किसी की जेब में जाता हो, दिस इज द फैक्ट। अब आपके सामने जो बैठा है अगर वो आपसे थोड़ा भी ज्यादा एडवांस है, होशियार है, तो वो कमाएगा। हमें पैसा कमाने के लिए एक एज चाहिए होती है, एक सिंपल सी एज चाहिए होती है, स्क्रीन को देख के। स्क्रीन को देख रहे हैं या ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, सपोर्ट टूट रहा है, रेजिस्टेंस टूट रहा है, ये हर कोई कर सकता है। स्क्रीन को देख के अगर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है तो आपके पास वो एज नहीं है। एज होता है कि जहां पे लोग खरीदने की सोच रहे हैं वहां पे तो आप बेचने के लिए यू नो रेडी बैठे हो, एक कदम आगे चलना। कहां पे लोग बेचेंगे वहां पे तो आप खरीद रहे हो, एक कदम आगे चलना। कभी आपने सोचा है मार्केट क्रैश कर जाती है, आपकी बाई पोजीशंस होती है, आप अपने सौदे कैंसिल करते हो, कट 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 कट, अब स्टॉप लॉस लगा, अब स्टॉप लॉस लगा, अब निकलो नुकसान में, जो जो लॉस आप बुक करते हो, आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, उसके सामने बाय कौन कर रहा है? आपके हर एक सेल ऑर्डर के सामने एक बायर बैठा है। अब आप लॉस बुक कर रहे हो तो वो प्रॉफिट बुक कर रहा है और वो खरीद रहा है इसी नियत से ना कि मार्केट अब शायद आगे ऊपर जाएगी। एक कदम आपसे आगे है स्मार्ट मनी, जहां आपने बेचा वहां वो खरीद रहे हैं, जहां आपने खरीदा वहां वो बेच रहे हैं। तो एक एज का होना जरूरी है। एज कैसे हो सकती है, उसके लिए आपको चाहिए सेटअप, कुछ टूल्स जो आपको बता सके, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नॉलेज जो आपको बता सके कि मार्केट ऐसे 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 कर सकती है। पर क्या इतनी सारी नॉलेज, मैंने काफी सारी चीजें सीखी अपनी लाइफ में ट्रेडिंग के बारे में, कई सारे कोर्सेज किए, कई सारे इंडिकेटर्स जानता हूं, कई सारे सेटअप्स है मेरे पास,
क्या मुझे मालूम है मार्केट कल क्या करेगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कल मार्केट क्या करेगी, पर मुझे इतना मालूम है विद द हेल्प ऑफ माय सेटअप कल मार्केट जो करेगी मैं उस हिसाब से एक्शन ले सकता हूं। एंड अगर मेरा कोई एक्शन पहले से लिया हुआ है तो इट हैज अ डिफाइंड रिस्क, अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। आज मैंने कुछ बाय किया, कल मार्केट क्रैश कर गई तो मुझे कल नहीं सोचना कि मेरा इस सौदे में अब कितना नुकसान हो सकता है, अब मेरे को कब निकलना है। इट हैज अ डिफाइंड रिस्क, वो हो जाएगा अपने आप। एनीवेज, घूम फिर के बात आती है, एक एज आपको चाहिए, लेकिन दैट एज इज टेलिंग यू व्हाट? इट्स टेलिंग यू दिस मे हैपन, ये हो सकता है, इसके होने के चांसेस हाई हैं, 80% प्रोबेबिलिटी। वी टेक ट्रेड्स, समटाइम आई नो दिस ट्रेड हैज अ 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, समटाइम आई एम कन्विक्टेड, मेरे को मतलब कन्विक्शन है कि इसमें 90% चांस है विन का। उस ट्रेड में मैं शायद ज्यादा क्वांटिटी डालूंगा, किसी में मैं शायद कम डालूंगा। बट इफ आई एम वर्किंग ऑन माई सेटअप, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सेटअप ने बोला बाय और मेरे मन की बात कहती है कि भाई यहां पे तो मार्केट गिरेगी तो आई एम नॉट बाइंग। आई विल टेक ऑल द ट्रेड्स माय सेटअप इज गिविंग। सेटअप का मतलब क्या होता है? सेटअप इज अ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हो, ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स, कोई नॉलेज, कोई स्टडीज के बेसिस पे जो आपको एक ग्रुप ऑफ ट्रेड्स देता है इंटरवल पे, कभी बाय कराएगा, कभी सेल कराएगा, कभी निफ्टी देगा, कभी बैंक निफ्टी देगा, कभी कुछ, जैसी मार्केट चल रही है वैसे। उन ट्रेड्स में से अगर आपका सेटअप सही है तो आपके 50% से ज्यादा ट्रेड्स राइट जाएंगे। अच्छा सेटअप है 70-80% राइट जाएगा, खराब सेटअप है 30-40% राइट जाएगा। ठीक है, मैं अपने सेटअप से काम कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी 70% एक्यूरेसी है। 70% एक्यूरेसी का मैथमेटिकल मतलब ये हो गया कि अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा तो 3 गलत जाएंगे, वो पहला दूसरा तीसरा भी गलत हो सकता है और फिर सातों के सातों ट्रेड सही भी हो सकते हैं। हो सकता है 7 सही चले जाए, 3 गलत चले जाए, और हो सकता है वो 3 गलत ट्रेड बीच बीच में कभी सही कभी गलत, कुछ सही फिर कुछ गलत, इस तरह से है। दोस्तों 3 दिन पहले मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मेरे 2 ट्रेड में से दोनों के दोनों रॉन्ग गए। अगले दिन मैंने फिर ट्रेडिंग करी, फिर 2 के 2 ट्रेड मेरे रॉन्ग गए। ये बात है मेरे प्लैटिनम ग्रुप की। इन 2 दिनों में कुछ प्लैटिनम मेंबर्स का कहना था कि सर आपके तो ट्रेड सारे गलत जाते हैं। ये वो मेंबर्स थे जो नए नए ज्वाइन हुए थे, और कुछ मेंबर्स जो पहले से जुड़े हैं उनको मालूम था कि भाई ठीक है दिस कैन हैपन। अब पिछले 2 दिनों से मेरे सभी ट्रेड राइट जा रहे हैं। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन ऑफ इंडिया, फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन, आप उनकी पहली 3 इनिंग्स देखिएगा, 3ों में शायद 5 रन से अंदर आउट हुए थे। बांग्लादेश के साथ इंडिया के मैचेस थे, 3 मैच खेले, 3ों में 5 रन के अंदर आउट हुए। 4th मैच पाकिस्तान के साथ अगले सीरीज में मिला उनका मौका, सेंचुरी। तो उस बंदे को भी ये मालूम था कि भाई मैं एक अच्छा बैट्समैन हूं, 3 बार में खराब पे आउट हो गए कोई बात नहीं, विराट कोहली कैन गेट आउट अर्ली। इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या सीख क्या मिल रही है? इससे सीख ये मिल रही है कि एक इंडिविजुअल ट्रेड डज नॉट मैटर टू मी, इंडिविजुअल ट्रेड डज नॉट मैटर टू मी, व्हाट मैटर्स टू मी इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेड्स। आई नो आई हैव एन एज, मेरे पास एक सिस्टम है, एक सेटअप है, एक वर्किंग मॉडल है जिसके बेसिस पे मैं काम करता हूं। मैं पिक एंड चूज नहीं कर रहा अपने मन की फीलिंग से कि मुझे लगता है मार्केट गिरेगी तो जब मेरा सेटअप पुट बोल रहा है मैं पुट ले रहा हूं, कॉल छोड़ रहा हूं, नहीं। अगर मैं इस सिस्टम पे काम करता तो मुझे तो लगता था आप लोगों की तरह कि मार्केट 14,000 के बाद ऊपर ही नहीं जाएगी, इट कीप गोइंग 18,000 तक, सिस्टम मेरा बोलता था खरीदो। अब जब मार्केट 18,000 से 500 पॉइंट गिर गई, मेरा सिस्टम अभी भी बोल रहा है खरीदो, तो मैं खरीदूंगा चाहे अब वो गलत हो रहा हो। आई एम वर्किंग एज पर माई मॉडल माई सिस्टम। अब वो जब सेलिंग के लिए बोलेगा तो मैं सेल करूंगा, बट आई नो फॉर सर्टेनिटी कि 10 में से 7 बार ये सिस्टम सही जाता है, 3 बार ये गलत जाएगा। गलत ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, टारगेट हमेशा बड़ा होता है लगभग हर ट्रेड में, ठीक है। तो मुझे ये मालूम है कि जब मैं 10 ट्रेड ले लूंगा या मैं 20 ट्रेड ले लूंगा, एक नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लूंगा, आई विल गो राइट। मैं आपको समझाया था ना, सिक्का उछाल लिया कीजिए ट्रेडिंग करने के लिए, कोई इंडिकेटर मत देखिए, सिक्का उछाल लीजिए, हेड आए तो बाय, टेल आए तो सेल, ठीक है। अब आप खुद सोचते हैं कि भाई 3 बार लगातार टेल आ सकता है, बट जब आप 20 बार सिक्का उछालेंगे तो मैं ये नहीं मानता कि 20 के 20 बार टेल आएगा, 10 10 10 हेड 10 टेल। इसी तरह विन की प्रोबेबिलिटी होती है, या तो मार्केट सही जाएगी या गलत जाएगी, 50-50 चांस, इधर इट विल गो अप, इधर इट विल कम डाउन, 2 ही चांसेस हैं, इधर योर टारगेट विल कम और स्टॉप लॉस विल कम। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या मैं या बहुत सारे और लोग जिनको मैं जानता हूं, ट्रेड लेने के बाद नहीं सोचते अरे अब क्या होगा, अब हम स्क्रीन नहीं देखते, ट्रेड ले लिया अब या तो मेरा टारगेट आएगा या मेरा स्टॉप लॉस आएगा। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स सच एज ट्रेलिंग, द स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, एडजस्टमेंट्स इन ट्रेड, वो सब कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल भाषा में ट्रेड ले लिया टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस निकल गया कोई बात नहीं, अगला ट्रेड फिर इट हुआ कोई बात नहीं, अगला ट्रेड। इफ माय सेटअप इज करेक्ट, अगर मैं कुछ जानता हूं, मैं समझ के काम कर रहा हूं, आई नो आई हैव एन एज,
और मैं 10 में से 7 बार राइट जाऊंगा। अच्छी मार्केट में तो 10 में से 10 बार भी राइट जा सकता हूँ, खराब जाएगी मार्केट 10 में से 5 बार भी हो सकता है, बट दिस विल नेवर हैपन कि मैं 10 ट्रेड लूंगा तो उसके 10 मेरे गलत जाएंगे। ऑल आई नीड टू डू इज रिपीट व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स फॉर अनदर एक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स टू गेट मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी इन माई फेवर एंड विन। यही करना है आपको, इससे एक दो चीजें और सीखने को मिलती है। पहली, किसी भी एक ट्रेड में इतनी क्वांटिटी नहीं डालने का कि कभी आपको उसमें अगर आर या पार नहीं लगा टारगेट तो अगला ट्रेड ले ही नहीं सकते। ऑलवेज हैव अ क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग जिससे आप एक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स ले सको। कितना स्टॉप लॉस आपको पर ट्रेड में रखना चाहिए, ये सब बातें भी मेरे चैनल पर रिस्क मैनेजमेंट नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने दे रखी है, आप जाइए जाके सीखिए सुनिए। उनमें से कुछ वीडियोस तो मेरे बकायदा वेबिनार के कट शॉर्ट क्लिप्स हैं जो आपको मैं वेबिनार में सिखाता हूं, फ्री में चैनल पे मैंने अवेलेबल करा रखा है फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इधर टारगेट विल कम और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है या रिस्क प्री डिफाइंड है थ्रू हेजिंग, इससे ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता। हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बिकॉज सिस्टम हमारा वर्किंग है, मॉडल हम हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं, बट स्टिल जो भी मॉडल है 60-70-80% टाइम राइट होता है एंड एनीथिंग अबव 50% इज गुड इनफ फॉर रेगुलर अर्निंग। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, विनर्स में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लूजर्स में थोड़ा थोड़ा जाता है, सो इट्स ओके। अगर मैं 5 ट्रेड सही करता हूँ 10 रुपए कमाता हूँ 50 रुपए कमा लिए, 5 ट्रेड गलत करता हूँ 5 रुपए कमाता हूँ 25 रुपए चले गए, नेट मेरे 50% एक्यूरेसी थी मैंने 25 रुपए कमा लिए। ठीक है, डू इट फॉर अ नंबर ऑफ पीरियड विथ गुड क्वांटिटी गुड कैपिटल यू कैन मेक लैक्स। तो ये है थिंकिंग जो आपके अंदर होनी चाहिए जब आप ट्रेडिंग करें। अगली बार जब आप ट्रेड करने जाएं तो आपको डर नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस आएगा कि टारगेट आएगा। एक ही चीज की गारंटी है मार्केट में कि एक चीज जरूर आएगी, साइनिंग ऑफ। वीडियोस कुछ और लिंक आ रहे होंगे स्क्रीन पे, देखिए अपने नॉलेज को और बढ़ाइए, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। मुझसे सीखना है, मेरे वेबिनार अटेंड करने हैं, मेरे साथ मेंटरशिप में आना है, मैं आपका मेंटर बनूंगा, आपको सिखाऊंगा, रेगुलर गाइडेंस, वीकेंड्स पे क्लासेस होगी, 16,000 इज द फी, जितनी मर्जी आप क्लासेस अटेंड कीजिए। 1 मंथ की प्लैटिनम मेंबरशिप जो अगेन 3,000 के इसमें इंक्लूडेड है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलता है, आप मेरे से रेगुलर टच में रह सकते हैं एंड लॉट मोर। फॉर दैट यू कैन इंक्वायर। अगला वेबिनार जल्दी ही होगा आने वाले सैटरडे संडे को, आप उसके लिए मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं।